अगले गेस्ट मैं तुरंत आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करूंगी सर कि आप ऊपर स्टेज पर आएं, और साथ ही हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर भी स्टेज पर आएं, एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी मंच पर ही रहें, और तमाम हमारे जितने दर्शकगण हैं सब यहाँ मौजूद रहें। सलमान खुर्शीद साहब के लिए एक बार जोरदार स्वागत, और एक छोटा सा ब्रीफ भी मैं दे दूं। सरकार के पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस सरकार में रहे मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सहकारी एवं अल्पसंख्यक मंत्री रहे सलमान खुर्शीद किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप देश के एक नामी राजनीतिज्ञ, मशहूर वकील और चर्चित लेखक हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जाने माने चेहरे हैं। आप कानून के छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इंदिरा गांधी के समय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आपने पटना से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की, पहले दिल्ली और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान यानी छात्र जीवन से ही आप नाटक लिखने और अभिनय में गहराई से शामिल रहे हैं। देश के इस दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद का न्यूज इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ मंच पर मौजूद सलमान खुर्शीद, और उनका और पूर्व स्वागत करेंगे हमारे चैनल के चेयरपर्सन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, और एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत सलमान खुर्शीद साहब का। पूर्व विदेश मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री रहे, राजनीतिज्ञ, मशहूर वकील और लेखक रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, पटना से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया सलमान खुर्शीद साहब ने। आज हम सब कृतज्ञ हैं कि सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ मंच पर हैं, और दो शब्द कहेंगे, लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद साहब का सम्मान डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर चेयरपर्सन न्यूज इंडिया निम्स ग्रुप उनकी तरफ से। और ये जो कॉन्क्लेव है राइजिंग इंडिया और साथ ही न्यूज इंडिया 24/7 के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम सब होटल ओबेरॉय में मौजूद हैं, और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गजों को लगातार सुबह से आप सुन रहे हैं, और लगातार कई सवाल और जवाब के दौर भी निकल चुके हैं, लेकिन इत्मीनान रखिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब के बाद भी कई बड़े राजनीति के दिग्गज आपको हमारे आज टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वो बड़े दिग्गज जिनके बारे में आपने सुना है, जिनको आप साक्षात देखना चाहते हैं, उनसे सवाल जवाब, और साथ ही वो तमाम सवाल जो आपके जहन में है वो भी आज हम पूछेंगे। तो शुरुआत करेंगे हमारे साथ सवाल और जवाब का दौर हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से जोरदार स्वागत, हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपका कि आपने वक्त निकाला। आपकी व्यस्तताओं के बावजूद आपकी जो विद्वता है वो तो सब देश जानता है, राजनीति में भी, लॉ में भी, विदेश में भी। सर, आपका जो सबसे बड़ा फोटे मैं मानता हूँ लॉ के अलावा, वो है विदेश मंत्रालय। भारत की विदेश नीति को लेकर अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि G20 अभी चल रहा है। जो मौजूदा भारत की विदेश नीति है, आप उसको किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जी जी एक विडम्बना में हम लोग का सामना कर रहे हैं कि एक तरफ
विश्व भर में जो जो परिस्थितियां हैं उसमें भारत का महत्व है बढ़ता हुआ। अब वो किसी एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष समुदाय, एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी की वजह से नहीं है, बल्कि जो इतिहास में भारत का एक रोल रहा है, भारत का जो विश्व भर में भारत का जो एक स्थान रहा है उसका महत्व परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ता जा रहा है, और चाहे वो वाणिज्य का मतलब का विषय हो या वो कोई और विषय हो, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक विषय हो, लोग भारत की ओर देख रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस बात को पहचाना और हमने इस पर अपना रिस्पॉन्स दिया, ये हमारा सौभाग्य है। तो एक तरफ ये देखने को मिल रहा है, एक सकारात्मक हमको प्रारूप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हम उलझे हुए हैं अपने क्षेत्र की उन बातों में जिनका बहुत दिन तक हम समझते थे कोई ना कोई हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, चीन के साथ हमारे संबंध बुरे भी रहे, कुछ अच्छे भी हुए जी, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज चीन के साथ हमारे संबंध हैं उन पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हमारे अपने पड़ोस के जो मुल्क हैं वहाँ भी हमारा जो वर्चस्व होना चाहिए और जिसकी बुनियाद है, जिसका आधार है, वो वर्चस्व हमारा इसलिए नहीं बन पा रहा कि वहाँ भी प्रतियोगिता में चीन हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो इसलिए एक तरफ ये विडम्बना, दूसरी तरफ विडम्बना इस बात की कि लोग इस देश में मानते हैं कि कभी हम अमेरिका की ओर ज़्यादा देखते हैं और रूस को हमने दूर कर दिया, और हमारा ये आत्मविश्वास कि हमने रूस के साथ जो समय गुजारा है और जो हमारा हमेशा साथ दिया है, तो क्या ऐसा तो नहीं हम गलती कर रहे हैं कि हम रूस से भी अलग हो गए, अमेरिका से भी हमें कुछ नहीं मिला? क्योंकि अमेरिका की हमेशा सोच ये रही है कि जो अमेरिका के साथ आए वो करे जो अमेरिका चाहता है, जो भारत ने कभी नहीं इस बात को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए एक ये कह सकते हैं कि एक मिलीजुली स्थिति है, और उस मिलीजुली स्थिति में से कैसे हम एक सही रास्ता, एक सही मार्ग निकाल सकते हैं, ये आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है जी। लेकिन सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब प्रधानमंत्रीकाल में, खास तौर से पिछले 8 साल में भारत विदेश नीति के तौर पे ज़्यादा मजबूत हुआ है, और नरेंद्र मोदी साहब का, प्रधानमंत्री का एक बड़ा जलवा पूरी दुनिया में हुआ है, और जो हम लोग पहले अपने आप को छोटा मुल्क या कमज़ोर मुल्क समझते थे, आज अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ या अमेरिका के साथ हम बराबर तरीके से खड़े होते हैं। दूसरी तरफ जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हैं, फिर जेलेंस्की साहब उनकी बात सुनते हैं, फिर शी जिनपिंग के साथ उनकी बात होती है, मुलाकात होती है, तो और पाकिस्तान का तो खैर जिक्र करना बहुत ज़रूरी नहीं है समझता मैं, लेकिन जो बड़ी सुपर पावर जिनको हम कहते हैं वो प्रधानमंत्री की बात को सुनते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री को जिस बात का श्रेय होना चाहिए, मैं समझूंगा कि अगर राजनीतिक कारणों से वो श्रेय हम ना दें तो वो बात सही नहीं है। ये एक गंभीर संजीदा बात हो रही है जी, और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जी, ऐसा नहीं कि वो किसी समुदाय के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य होता है मुझे जब लोग ऐसे बात करते हैं कि ये देश में पहला प्रधानमंत्री है। जब केनेडी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था तो वो भी तो प्रधानमंत्री थे देश के। जब हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, और उस वक्त जो विश्व के सबसे बड़े नेता थे उसमें टीटो थे, उसमें नासिर थे, उसमें पंडित नेहरू थे जी, तो उस समय भी तो हमारा प्रधानमंत्री था और हमारा वर्चस्व था जी। तो लोग सब भूल गए हैं, जैसे कि एक कोरे कागज पर वो लिख रहे हैं कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को इतना स्वागत किया गया, देखने को मिला है। स्वागत उनका हो रहा है
हम इस बात को हम नकार नहीं सकते, होना चाहिए, इस बात को हम नकार नहीं सकते, होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री का ये काम है कि अमेरिका जाकर कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार। हम लोग सब चाहते हैं कि इसकी सरकार बने, उसकी सरकार बने, लेफ्ट लेबर की बने, राइट कंजर्वेटिव की बने, हमेशा से ये भारत में एक इच्छा रही है। जब ओबामा बने थे, तब जब ओबामा राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो बहुत सारे भारतवर्ष के लोग ये समझते थे कि ये हमारे राष्ट्रपति बने हैं और हमने इनको बनवाया। ऐसा नहीं होता है। तो लोगों की चाह कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी में, कूटनीति में आप स्पष्ट नहीं कहते आवाम के सामने, जनता के सामने, दूसरे देश में जाकर कि मैं चाहता हूं कि इस देश में ये होना चाहिए। तो अब ये उनकी सोच है, ये उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा, हम कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री के सामने कोई भी कुछ कहे तो छोटा मुंह बड़ी बात होती है, लेकिन बड़ी समस्याएं हैं। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात को बहुत गौर से दुनिया सुनती है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है तो ये दुनिया, ये आलम बड़े गौर से सुनता है। वो भी प्रधानमंत्री थे। अब हम भूल गए कि कभी ऐसा भी हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे संबंध रूस से अच्छे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे संबंध रूस से अच्छे रहें, अगर हम एक ही जगह हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति बैठकर एक ही झूले पे झूल सकते हैं, तो जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं कहते कि ये गलत है? इसमें भी बहुत संकोच के साथ प्रधानमंत्री ने तो कहा रूस के राष्ट्रपति से कि युद्ध का जमाना नहीं है, युद्ध का जमाना नहीं है और आप युद्ध करे जाओ भाई, अगर आपकी बात सुनते हैं। लेकिन सर, आपने जो बात जिक्र किया, मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन अक्सर बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, अब अरुण सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं, तो नमस्कार सर, बहुत स्वागत। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो है बात बात पे नेहरू को ले आती है। अब आपने बात नेहरू से शुरू की, विदेश मंत्रालय को लेकर, विदेश नीति को लेकर। नेहरू जी को हम विदेश नीति पर सबसे बड़ा वो मानते हैं जिनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ। लेकिन चीन की बात हुई तो फिर बीजेपी हमेशा नेहरू की जो नीतियां हैं उसका फेलियर पर बात करती है। वैसे आप उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कश्मीर को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी ने अभी बड़ा बदलाव किया है 370 को लेकर, उसमें भी कश्मीर में नेहरू के फेलियर को मानती है। मैं चर्चा नहीं चाहता था, लेकिन आपने नेहरू को लाकर वहां पर फिर से वहीं शुरू कर दिया। विदेश नीति में नेहरू ने जो किया जी, उसको नकारना चाहते हैं तो नकारें। देखिए, चीन पर हमने गलती की जी, तो फिर क्या हम भी ये कहें कि आज चीन ने जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके हमारी जमीन ली है वो भी गलती है? लेकिन एक विडंबना इस बात की है कि हमारी गलती गलती है और तुम्हारी गलती कुछ नहीं। मेरा कुत्ता कुत्ता है और मेरा कुत्ता टॉमी है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है। गलती देशों से होती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसी देश में कभी किसी प्रधानमंत्री के युग में गलती ना हुई हो? गलती होती है इतिहास में। ये दोनों गलती आप कहते हैं, नेहरू की, कश्मीर पर भी और चीन पर भी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी धोखा था जो हुआ 62 में हुआ, वो भी धोखा था। और वो धोखा इस बात का था कि हमने चीनी हिंदी भाई भाई की एक परंपरा बनाई थी, और हमने पंचशील की एक परंपरा बनाई थी, और इसलिए हम समझते थे कि हमें आधुनिक युग के लिए हथियार नहीं चाहिए, बल्कि हमें संपर्क चाहिए, संबंध चाहिए, और उसमें धोखा हुआ। और मैं मानता हूँ कि यहाँ भी धोखा हुआ, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे थे कि अब इस युग में हम चीन के साथ अच्छे संबंध बना के आगे बढ़ सकते हैं। और लोग ये कहते थे कि 21वीं सदी भारत और चीन की सदी होने जा रही है। तो इसमें भी अगर चीन ने ये रास्ता अपनाया है तो वो भी धोखा है। लेकिन अब मुश्किल इस बात की आ गई है कि अब तो धोखे को धोखा भी नहीं कहा जा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कोई धोखा नहीं, शिकायत किस बात की है? अगर शिकायत किसी बात की नहीं है तो अमरीका के साथ मिलकर हम चीन के खिलाफ क्यों एक महाज बना रहे हैं? हम क्यों जाते हैं क्वाड में, और क्वाड में जहां सारे मेंबर्स अमेरिका के साथ
सिर्फ चीन को कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वहां क्यों जाते हैं? हम उनसे कहें कि नहीं भाई, हमने चीन कौर, से संबंध कौर तो अलग मुद्दा है, चीन का उससे उस तरह से उनका झगड़ा तो नहीं है। मुद्दा ये है कि वहां जितने लोग नहीं नहीं झगड़े के लिए नहीं आए, लेकिन वो वहां पर चाइना को कंटेन करने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया चाइना को कंटेन करना चाहता है, अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, जापान चाइना को। क्या हमको नहीं चाहिए चीन को कंटेन करना, चाइना को कंटेन करना? अगर हमको चीन को कंटेन करना है तो उसके लिए कुछ और नीति बनानी होगी। हमारी नीति ये रही, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी इसको इस बात को ठुकरा नहीं सकते कि बीजेपी की नीति, और ये सही नीति है कि हमें सोच समझ के सुलझे मन से, लेकिन कोई ना कोई नीति ऐसी अपनानी है जिससे कि हम चीन के साथ अच्छे संबंध बना के रख सकें। हम दबे ना चीन से, लेकिन हमारे संबंध चीन से अच्छे हों। हम इस बात में बीजेपी को समर्थन अपना देंगे, हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। और अगर वो अच्छे संबंध नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये देश को बताना चाहिए ताकि एक नई नीति बने। जी, हम विदेश नीति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें। जब भारत का हित सामने होता है तो हमें सरकार का साथ देना है, सरकार की आलोचना नहीं करनी। लेकिन सर, कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आलोचना करती है। नहीं, सर्जिकल नीति पर भी आलोचना। सुनिए, सर्जिकल आप समझाते नहीं है क्या पार्टी को? अब सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक में हम ये चाहते थे कि हमें बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ना बताएं, बाद में बता दें कि हमने ऐसा किया। और सर्जिकल स्ट्राइक अगर इसलिए की गई थी कि आतंकवाद समाप्त हो जाए तो हमें बता दें कि आतंकवाद समाप्त हो गया एक स्ट्राइक पे। सर, ये अटेम्प्ट होता है ना कोई एक सर्जिकल। आपने तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ, आप हमें कोई चिंता नहीं है जी। जो ये कर सकते हैं ये करें, हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको भी विश्वास में लेना होगा ना जी। आप पहले ना लें बाद में बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अब हो गया चारों तरफ सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक का क्या लिमिटेड पर्पस था या उसका एक एक्सपेंडेड पर्पस था? और सर्जिकल स्ट्राइक का के बाद क्या डेटा है आतंकवाद पर, आतंकवाद समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्या एक ही आतंकवादी कैंप था? 100 होंगे जी, तो 100 सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए थी। लेकिन मैं तब भी मानता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए समझदारी की बात नहीं करते हैं, मैं तब भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 100 जगह स्ट्राइक नहीं करा सकती थी जी, वो मामला कहीं और पहुँच जाता। तो कम से कम हम मैसेजिंग थी सर मेरे हिसाब से, तो हर चीज मैसेजिंग इलेक्शन में करनी चाहिए ना, मैसेजिंग कूटनीति में नहीं करनी चाहिए। कूटनीति में वो करना चाहिए जो ठेस बात हो और जिसका कोई ठोस, उसका कोई ठोस काम नतीजा हो सके वो करना चाहिए। और अगर आपके कोई कारण ऐसे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको कभी ना कभी, फौरन नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक महीने बाद, कुछ लोगों को विश्वास पे लेना चाहिए कि इस पर चर्चा मत करिए, ये चर्चा हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। सर, अब देश में आते हैं वापस। दो सवाल मैं चाहता हूँ करना, एक कांग्रेस पर और एक माइनॉरिटी पर। आप बताएं किस पर आप चर्चा पहले चाहते हैं? मैं दोनों पर ही बात करते हैं, कांग्रेस पर बात करते हैं। दोनों कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस माइनॉरिटी में है तो आप तो दोनों बातें हो जाए। कांग्रेस जो पार्टी है आज उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल बाद एक नया अध्यक्ष चुना गया है जो गैर गांधी परिवार का है, और जो सो कॉल G20 ग्रुप है, G23 ग्रुप है, वो गांधी परिवार को बाहर करने, चुनावों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करने, क्या अब कांग्रेस ठीक हो गई है आप समझते हैं? देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि जो G20 के लोग थे उनमें बहुत कन्फ्यूजन सा था, क्या चाहते थे। वो सब पैदा हुए थे और सब की परवरिश हुई थी एक सिस्टम में जी, उस सिस्टम को वो बदलना चाहते थे। कोई बुरी बात नहीं है कि आप ये कहो कि जीवन भर मैं इस सिस्टम में रहा हूँ लेकिन अब ये सिस्टम बदलना चाहिए, समय बदल गया, समय के साथ साथ हमको भी बदलना होगा सिस्टम। क्या मैं इसको ठीक समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम में रहे थे, कृपा की वजह से बने थे? कहाँ से आए थे, कौन सा इलेक्शन लड़ के आए थे, वो भी सारे नॉमिनेटेड थे। कोई बात नहीं, नॉमिनेटेड थे लेकिन उन्होंने जो कर सकते थे, सेवाएं दे सकते थे, उन्होंने पार्टी को दी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, सिस्टम बदलना चाहिए। तो सिस्टम बदलना चाहिए, उसमें सबसे पहले पेशकश इस बात की करनी थी कि जो सिस्टम बदलेगा उसमें हम नए सिस्टम से आएंगे, उसमें हमारे लिए कोई एक्सेप्शन पुराने सिस्टम का मत नहीं। तो वहाँ वही सिस्टम चाह रहे थे अपने लिए जो पहले था, क्योंकि उसी सिस्टम से वो कुछ थे।
और औरों के लिए वो नया सिस्टम चाहते थे। तो अगर आप एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ें और फिर सीढ़ी को ही हटा दें और कहें कि ये सीढ़ी नहीं रहेगी, तो वो गलत होगा ना। आप सीढ़ी लगाइए और कहिए जो चढ़ना चाहे चढ़े, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी चढ़ गए तो अच्छा है, नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, हम तो बहुत कुछ चढ़ चुके हैं। तो एक बात ये G20 के बारे में कहूँ, जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, हमारे नए अध्यक्ष हमने चुने हैं और लोग कुछ भी कहें, हमें कोई संकेत नहीं दिया गया था कि आप इनको चुन लीजिए, ये हमारे काम आएंगे, इनको आप खुद चुन लीजिए। सब लोगों ने अपने विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ खारगे जी को चुना और ये मानकर चुना कि परंपरागत रूप से जो हमारी पार्टी में बड़े लीडर्स रहे हैं और सक्सेसफुल, कामयाब, सफल लीडर्स रहे हैं, उसमें खारगे जी की अगुवाई है। खारगे जी को हम सब जानते पहचानते हैं, हमको वो पसंद है और इसलिए खारगे जी को हम अपना अध्यक्ष बनाएं। हम सब चाहते थे कि अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी जी बने, हम सब चाहते थे। उन्होंने बार बार इनकार किया कि मैं नहीं बनूंगा, आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए, मैं नहीं बनूंगा, आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। तो फिर चुनाव आया, खारगे जी को चुना और खारगे जी ने, इतना मैं कहूँ कि अभी उनको हफ्ता हफ्ता क्या जुमा जुमा 8 रोज ही हुए हैं, लेकिन खारगे जी का जो व्यवहार देखने को मिला है उससे लगता है कि वो पार्टी को जोड़ने में बहुत सफल होंगे। अब लोग ये पूछते हैं कि अगर खारगे जी अध्यक्ष हैं तो फिर राहुल जी क्या हैं। राहुल जी एक नेता हैं हमारी पार्टी के, प्रमुख नेता हमारी पार्टी के, जैसे सोनिया जी हमारी पार्टी के नेता हैं। अब वो अगर पीछे हट रही हैं और वो चाहती हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए, जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाए, तो हम उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए उसका सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो नहीं हट रहे हैं जी, राहुल गांधी में तो ऊर्जा है और उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ और करना होगा, वो अपने लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ये सब मिला हुआ है। और जो वो कर रहे हैं उसको वो एक तपस्या कहते हैं, वो उसको पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कहते हैं, वो उसको एक प्रयास नहीं कहते हैं, वो एक कनेक्टिविटी की एक कोशिश नहीं कहते हैं, बस वो कहते हैं कि एक तपस्या है मेरे लिए। और तपस्या क्या है कि मैं इस देश को जोड़ना चाहता हूँ और मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो किया और आप भी आइए मेरे साथ चलिए। लेकिन जब राहुल गांधी जी का की ये यात्रा समाप्त होगी, अगर ये समाप्त होगी, क्योंकि उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरी यात्रा में जाएंगे, तो जब इनकी यात्रा समाप्त होगी तो इस यात्रा को फिर आगे बढ़ाकर वो भारतीय राजनीति को एक नया प्रारूप देने का कैसे प्रयास करेंगे, जिसमें कि खारगे जी उनके साथ रहेंगे, अभी ये समय नहीं आया है कि हम आपको बता सकें कि ऐसा। सर, जैसे आपने खरगे साहब के लिए बोला कि किसी ने आदेश नहीं दिया था, तो ये तो आपके भोलेपन पर मैं सद के जाना चाहता हूँ। वैसे आपकी सूरत इतनी भोली है कि मोहब्बत करने का मन करता है कि जिस पार्टी में दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ें और एक कैंडिडेट के लिए सारे प्रदेश अध्यक्ष, सो कॉल सारे चीफ मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, लीडर्स हैं, वो सब नॉमिनेशन के लिए मौजूद हों, तो वो इतनी मोहब्बत खरगे साहब के साथ, और एक और नेता जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये जो आपका सदका है, आपका भोलापन है, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा ये भोलापन है, तो चलिए कहीं तो भारत में आज के दिन भोलापन मिला है। आपका भोलापन का जिक्र, हरेक इतना तेज हो गया है भारत में कि कहीं भोलापन देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं इस बात को समाप्त करने से पहले इतना कह दूँ कि जो दूसरे दूसरे कैंडिडेट थे खारगे जी के सामने, वो शशि थरूर थे जी। मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं शशि थरूर, और बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि हम में और मुझ में और शशि थरूर में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बाहर से पढ़कर आए, बाहर काम करके आए और फिर यहाँ पर आए, और यहाँ का जो उनका पढ़ने लिखने का जो सिस्टम वगैरह है उसको मेरे सिस्टम से मिलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक कांग्रेस की जो ज़मीनी आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो खारगे जी बेहतर करते हैं, मैं ये मानता हूँ। अगर सब ने ऐसा माना और सब आ गए नॉमिनेशन करने के लिए तो उसी के कोई बात नहीं, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है जी। खारगे जी अध्यक्ष हो गए, ये बात जाहिर है, ये फैक्ट है। और राहुल गांधी, जितना मैं पॉलिटिकल सिस्टम को समझता हूँ, उसमें नेता ही नेता होता है, मतलब चलती नेता की तो बड़ी अच्छी बात है, चलती नेता की है। ये बात बहुत अच्छी आपने कही, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कहीं जो लीडर होता है वही। इंग्लैंड में आपने अभी देखा, सुनाक बने हैं प्राइम मिनिस्टर,
सुनाक प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर है, कंजर्वेटिव पार्टी का जो हेड है, वो सुनाक नहीं है जी, वो कोई और है जिसने उनका इलेक्शन कराया जी। तो वहाँ इंग्लैंड में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, यही है ना यहाँ पर भी कि राहुल गांधी ही नेता होंगे कांग्रेस के। नहीं, नहीं, मतलब नेता का मतलब वो होता है जो लीड कर रहा है और जिसकी बात चलती है, नेता मतलब अध्यक्ष जिसकी बात सुने वो नेता। माने अध्यक्ष मेरी बात भी सुनेंगे, ये अध्यक्ष मेरी बात भी सुनेंगे, नेताजी का भी सुनेंगे। लेकिन नेताजी को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं नहीं इग्नोर नहीं करेंगे, अगर वो अध्यक्ष अच्छा 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 काम करना चाहते हैं तो वो मेरी इच्छा, आप सबकी इच्छा, हर कार्यकर्ता की इच्छा, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे सर। नेता की इच्छा तो आदेश होती है। आप जो कहना चाहते हैं कि वो नेता का आदेश होगा, हाँ नेता की इच्छा आदेश ही होती है, जैसे कहते हैं मुझे प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म, ठीक है ठीक है, मुझे ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक मेरी मुझे समझ है और जो कुछ मैंने अभी तक देखा है उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आदेश नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने आपके सामने मीडिया के सामने कहा मेरा क्या रोल होगा, वो मेरे अध्यक्ष बताएंगे मेरा क्या रोल होगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी का कोई महत्व नहीं है, वो नेता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं चाहिए, उसके लिए लोगों के हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेता है वो, हम जानते हैं कि वो नेता है, और हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, चाहे उच्च स्तर के वो नेता हैं, उसके बाद खारगे जी क्योंकि प्रेसिडेंट हैं इसलिए वो भी नेता हैं, उसके बाद कोई और उससे कम होगा, उसके बाद उससे कुछ और कम होगा। सर वो ठीक बात है, मैं राहुल जी का आपने कहा कि राहुल जी आदेश नहीं देंगे, उनकी विनम्रता तो हम सब लोगों ने देखी, मनमोहन सिंह के रहते हुए उन्होंने सरकार का बिल फाड़ दिया, खैर वो बात पुरानी हो गई। मैं दूसरी बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि राहुल जी के नेतृत्व में आज जो सर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व हो पाएगा, या आपने सोचा कि अरुण जी की पार्टी ने बहुत रथ यात्राएं करके सरकार बना ली, 303 पे पहुंच गए तो आप भी पहुंच जाएंगे? देखिए अगर किसी के पास कोई और उपाय हो जी, जैसे आप कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस के भविष्य में रुचि लेकर ये बात मुझसे कर रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ और उपाय हो जो हमको कांग्रेस को एक उठाकर और ऊपर तक पहुंचा दे, मेरे पास कोई उपाय हो या किसी और कार्यकर्ता के पास हो, तो अवश्य उस उपाय पर विचार होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक उपाय निकाला है, लेकिन वो उपाय सिर्फ, इसमें मैं गांधी जी की तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गांधी जी का आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन सब में दो इश्यूज थे, एक पॉलिटिकल एलिमेंट था और दूसरा उसमें एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एलिमेंट था। इसीलिए गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद ये कहा कि इसको सस्पेंड कर दो, अगर इसमें हिंसा आएगी तो हमारा ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता, अगर हिंसा आई है तो इसको यहीं पर रोक दें। तो उसके दो पहलू थे, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं उसमें बार बार वो कहते हैं कि इसमें दो पहलू, इसमें दो पहलू। वो ठीक है, वो उस पर मैं कोई सवाल ही नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं? यदि पॉलिटिक्स को देखें, आप 54 पर आ गए हैं, 50 पर आ गए हैं, पहले 44 पर आ गए थे, वो 303 पर बैठे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल में चुनाव खत्म हो गए, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस जोड़ रही है ना? बज़ाहिर आपको ये लगता होगा कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं चुनाव में, क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी गुजरात के संदर्भ में ये नहीं कहा गया है कि वो नहीं जाएंगे, जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन है वो गुजरात में जाएंगे और वो काफ़ी समय गुजरात में देंगे, और आप जानते हैं कि कम से कम एक महीने से तब तक 50 सभाएं कर ली अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी ने। अरे छोड़िए ना, उन्होंने कितनी कर दी उससे छोड़िए, हम हर चीज़ उनका देखा देखी नहीं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो रैलीज हो रही हैं, जो प्रियंका जी ने रैलीज की हैं, और वहीं रहकर एक महीना वहीं रहकर उन्होंने भी कुछ अनुमान लगाया है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी जी गुजरात जाएंगे ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे बताया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी गुजरात को महत्व देते हुए इस यात्रा को विशेष महत्व दे रहे हैं। अब उस यात्रा को किस कब तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो गुजरात को अलग नहीं करेंगे। और हिमाचल के लिए मुझे लगता है कि आपस में बैठकर सब नेताओं ने तय किया कि प्रियंका गांधी जी को ये जिम्मेदारी दी जाए और वो पूरा समय वहाँ दे रही है। इट्स अ पार्टी इशू, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। सवाल अब आपने जहाँ कांग्रेस और माइनॉरिटी को जोड़ा, हाँ, और गुजरात को जोड़ रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी को सरकार को जोड़ रहे हैं, तो माइनॉरिटी को लेकर एक अजीब सी बेचैनी समाज में दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, लेकिन पैदा जरूर की गई है?
दिखाई भी दे रही है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आप माइनॉरिटी के लीडर के तौर पर भी रहते हैं आप, और आपने बड़ा कानून पर भी काम किया है, तो ये बड़ी समस्या है जी। पता नहीं क्यों हमारे देश में, लेकिन एक वास्तविकता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वास्तविकता ये है कि हमको हमारे नाम को देखकर बैठाकर हमसे कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के लिए। मैं माइनॉरिटी नहीं, सोसाइटी चिंता कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ कि कहा जाता है। मेरी पार्टी भी जब मुझे कहीं भेजती है तो देखती है कि ये माइनॉरिटी। मैंने तो आपको विदेश मंत्री के तौर पर इसलिए पहले आपको। अब देखिए, विदेश मंत्री को तो कोई पूछता नहीं इलेक्शंस में, कि विदेश मंत्री को बुलाएं कि आप हमको बताइए हमारी विदेश नीति क्या होगी तो हम वोट देंगे। लेकिन माइनॉरिटी के विषय को बुला के और माइनॉरिटी के एक लीडर को देख कर मुमकिन है कि माइनॉरिटी उधर आ जाए। विडम्बना इस बात की है। और जब मैं ये कहता हूँ तो आपके बहुत सारे साथी उसमें से कोई नई बात ट्विस्ट करके निकालते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ आज कि मैं अपनी पार्टी को माइनॉरिटी के वोट दिलवाऊँ जी, मेरे उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश में मैं वोट मांगने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हम उसको देंगे, असदुद्दीन ओवैसी को देंगे, और हम उनको BSP को देंगे, हम समाजवादी पार्टी को देंगे। अब समाजवादी पार्टी को 99% वोट डालकर पिछले चुनाव में वो सब कहने लगे कि हमने मोर देन 80% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मिला ना। अब वो कहते हैं कि हमने बड़ी गलती करी, लेकिन 24 में हम आपके साथ हैं। अब किसने 24 देखा और क्या 24 में वो कर पाएंगे? इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए एक समस्या है, हमारी पार्टी के लिए अकेले नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए समस्या है, BSP के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, TMC के लिए, और मैं मानता हूं कि BJP के लिए भी एक समस्या है। क्या आप एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं और चला सकते हैं बिना माइनॉरिटी को अपने को संतुष्ट किए हुए और माइनॉरिटी को अपने साथ लिए हुए? क्या आप कर सकते हैं? सर, ये एक जनरलाइज सवाल है, लेकिन मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो बात की उसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है? नहीं, 80% वोट समाजवादी पार्टी को, 80% वोट नहीं दिया तो कॉन्फिडेंस लूज किया ही होगा सर, बिल्कुल। तो जब आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर जाएंगे तो माइनॉरिटी का वोट तो लूज नहीं होगा। नहीं, माइनॉरिटी को जनेऊ से कोई मसला नहीं है जी, जनेऊ सब पहन ले, माइनॉरिटी को कोई मसला नहीं है जी। ये माइनॉरिटी को किस बात का मसला है? ये सर, ये सियासत की बातें हैं और ये सियासत की बातें बहुत लंबी। सलमान साहब से ऐसा मौका, माइनॉरिटी पहुंच गए तो लंबी तो बात होगी, लेकिन बहरहाल अगर आप कुछ सवाल थोड़ा सा सर, समय की भी पाबंदियां होती है, हमको एक देश की हैसियत से, एक समाज की हैसियत से, हमें अपने आप से ये पूछना है कि हम जिस समाज में रहेंगे, रहते हैं और रहना चाहते हैं, उस समाज में हर वर्ग विशेष का क्या रोल होना चाहिए और हो सकता है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया या जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोचा गया है, क्या उसको हम ज़मीन पर उतार सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग नहीं है, हकीकत जो है ज़मीन पर वो वही हकीकत है या होनी चाहिए? ये हर पार्टी के लिए भी है और ये हम सबके लिए, सोसाइटी के लिए और सोसाइटी। बिल्कुल सवाल वक्त बिल्कुल भी नहीं है, परमिट नहीं कर रहे अभिषेक मुझे, लेकिन चाहता हूँ कि 2024 का जिक्र किया तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में सारी अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो सकती है? कांग्रेस लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी या और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? राहुल जी की बात नहीं कर रहा मैं, एज ए कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी कहीं कहीं ये बात शुरू होती है, बहुत हल्की हल्की फुल्की ये बात शुरू होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमारा वोट का डिवाइड है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा वो मिलता है, हिस्सा मिलता है, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में है, लेकिन वो समाज में मेजॉरिटी में नहीं है। अब किस वजह से नहीं है वो इस पर अपना अध्ययन करें। अगर वो सब एक साथ आते हैं, तो संभव है कि वो पाला जो है थोड़ा सा पलट जाए। संभव है, लेकिन ये सीधे सीधे अरिथमेटिक की बात नहीं होती है, इसमें केमिस्ट्री भी होती है। अगर केमिस्ट्री आएगी तो अरिथमेटिक काम करेगी। जब समाजवादी और कांग्रेस ने एक साथ मिलन किया था
वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो नई सीटें मिली, ना उनको मिली ना हमको मिली। बिल्कुल सर, और 2024 के लिए अभी हम समझते हैं उनकी गलती तो केमिस्ट्री और अरिथमेटिक साथ होगी तब कुछ संभावनाएं बनेंगी, अभी दिखता नहीं है, अगर हो जाएगा तो फिर उस पर चर्चा फिर करें। मतलब अरुण जी को आप खुश रखना चाहते हैं 2024 में वही सरकार बनाए? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं किसी को सरकार। चलिए तो अरुण जी को भी हम स्टेज पे बुलाएंगे। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, न्यूज इंडिया के मंच पर आप आए और बहुत ही अहम बातें आपने कही। एक बात कहने दीजिए कि मेरे अभी जो हाल के अनुभव हैं, जो पत्रकार बंधुओं के साथ बातचीत का मौका मिलता है जगह जगह पर, तो मुझे इतनी शालीन, समझदार, सुलझी और ऑब्जेक्टिव बात करने का मौका बहुत कम मिला है जितना कि आप मुझे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी मुझे उम्मीद है कि इसको स्वीकार करें। थैंक यू सर। चलिए सर, तो ये हमारा प्रयास रहेगा, एक साल में हमारी यही कोशिश रही है, आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से हम पत्रकारिता करते रहें और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहें, जनता की आवाज़ को उठाते रहें। तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी।